मैं तो परेशान हो चुकी हूँ यार क्यों क्या हुआ अब मेरे पास ना एक ड्रेस पड़ी है इसके पास तो कुछ है ही नहीं है अब बताओ मैं क्या करूं यार तू ही बता दे कुछ तू तो बहुत कपड़े रि यूज करती रहती है कैसे करूं तो कुछ तो आइडिया देना अच्छा अच्छा चल रो मत बताती हूँ कुछ चल आ जा मैं रीयूज़ कर रही हूँ आज ये ए लाइन ड्रेस जो कि मैंने मिंत्रा से ली थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है मुझे ड्रेस आप इसे कितनी बार पहन सकते हो एज इट इज़ आप इसे दो से तीन बार पहन लोगे उसके बाद आपको खुद को ही जो है पुरानी लगने लगेगी इसे कैसे यूटिलाइज़ करें तो मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके बताती हूँ तो अगर आप इसे प्लाज़ो के साथ पहनोगे तो ये बिल्कुल जचेगी नहीं मतलब कुछ खास नहीं लग रही है जीन्स के साथ पहनोगे तो कैजुअल लुक लगेगा तो इसे कुछ हटके तैयार होते हैं इसके साथ और कुछ अलग सा लुक क्रिएट करते हैं तो चलें मैं इसे अप करने वाली हूँ धोती पैंट्स के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा पूरे का पूरा और क्योंकि फ्लेरी है इसका कुर्ता है और जो धोती है वो बैलेंस आउट करता है पूरे आउटफिट को सो तो दोनों के तरफ ही पूरा टेंशन हमारा जाता है तो लुक को कंप्लीट करने के लिए इसे जो हूँ मैं सिंपल ही रखूंगी बहुत ज़्यादा तड़क बड़क नहीं रखना है क्योंकि हमारा जो ध्यान है हमें आकर्षित करवाना है वो हमारे आउटफिट की तरफ होना चाहिए तो उसके लिए मैंने ये सिंपल से इयरिंग्स लिए हैं जो कि पर्ल्स के हैं बड़े बड़े पर्ल्स के और जो कि इस आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे से जाएंगे सो ये मैंने पहन लिए यहाँ पे इयर उसके बाद एक्सेसरीज में और ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रही करी ये सिंपल सी एक रिंग जो है वो ही ऐड करूंगी और वॉच ज़्यादा चूड़ियाँ वूड़ियाँ इसके साथ बिल्कुल नहीं जचेंगी तो सिर्फ एक वॉच के साथ ही काम चलाएंगे जो बहुत ही डिसेंट और क्लासी लुक देगा पूरे लुक को और इस वॉच को पहनना ही अपने आप में बहुत बड़ी जद्दोजहद है क्योंकि ये वॉच कभी खुद से पहनी नहीं जाती कभी बैठ के डालो इसे बड़ा ही पंगा है इसके साथ भी तो ये देखो अब बैठ के डालूंगी तो उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ तो बाल हमने चुटकी बजाते ही ठीक कर लिए चुटकी बजाने के लिए सिर्फ वो ट्रांजिशन करनी होती है बट एफर्ट पूरा लगता है तो मैंने अपने बालों को जो है छोटे ही हैं मेरे बाल तो मैंने इसे पोनी में हाफ़ ही कर लिया इन्हें तो क्योंकि बन इनका बनेगा नहीं एंड उसके बाद बालों को जो है ऊपर से सेट करने के लिए हम जो है ये हेयर सिरम बायोटिक का हम यूज़ कर रहे हैं और इसको अच्छे से सॉरी बायोटिक नहीं है वो मैट्रिक्स का है तो उसे मैं लगाऊंगी अपने हाथों पे और अच्छे से रब करके देन अपने बालों में लगा लूंगी सेट कर लूंगी बाल क्योंकि जो पतले पतले से माथे पे आते रहते हैं ना बाल वो तंग नहीं करेंगे और एक डिसेंट सा जो मुझे लुक एग्जैक्ट चाहिए तो वो क्रिएट करूंगी मैं देन इसके साथ मैं पहनूंगी ये जुतीस गोल्डन कलर की हैं जो कि मेरे थोड़ा थोड़ा सा जो इस ड्रेस पे वर्क हो रखा है उसके साथ बिल्कुल ही सही तरीके से जा रही है और जो कि इसके ऊपर पर्ल्स का ही वर्क भी हो रखा है तो पूरा आउटफिट ही अपने आप में बहुत सुंदर लगेगा ये सब कुछ मैचिंग हो रहा है और ओवर कुछ भी नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मैचिंग भी नहीं लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है एंड फाइनल टच देने के लिए मैंने ऐड किया है इसमें ये बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का और गेंजा दुपट्टा एंड ब्राउन कलर का न्यूड ब्राउन कलर का बैक जो कि ये पूरे लुक को कंप्लीट करता है एंड दुपट्टा जो है ना इस पूरे लुक को इनहेंस करता है और भी ज्यादा सो आई एम रियली लविंग दिस पूरा आउटफिट ये प्रॉपर आउटफिट आप किसी वेडिंग के छोटे से फंक्शन पे हल्दी पे भी आप पहन के जाओगे ना बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ लुक लगेगा इसका तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने ना बिल्कुल ही अलग सा कुछ सोच के अपने चैनल पे ये आइडिया डाला था सो आई होप आप लोगों को आइडिया और जो कॉन्सेप्ट था वीडियो का वो पसंद आया तो मैं मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए बने रहना मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना इस वीडियो को सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट बाय गाइज